के सियाती फतेहबाद के युवा के जिला के अध्यक्ष को आए करता हूँ। हमें जो समर्थन दिया उससे हमें ताकत और ऊर्जा मिलेगी आपके यहाँ पहुँचने से। आज छात्र संघ चुनावों को लेकर के तीसरे दिन की हड़ताल और अनिश्चितकाल अनशन जारी है। मैं प्रदेश की सरकार को फिर आग्रह करता हूं कि आप छात्रों की डिमांड्स को मानकर छात्र संघ चुनाव की बहाली करें। तब तक ये अनशन समाप्त नहीं होगा, इस बात को हम स्पष्ट कर चुके हैं। सरकार को मैं ये बात भी कहता हूं कि सरकार को अगर ये डर है कि दिग्विजय राजनीति कर रहा है या राजनीति करेगा या अपनी राजनीति चमकाएगा, तो आज तो मैंने ये भी फैसला कर लिया चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करते हुए कि अगर मेरा डर है तो जिस मोमेंट पे इलेक्शन अनाउंस कर देंगे मैं अगले एक साल तक मैं किसी यूनिवर्सिटी में कदम नहीं रखूंगा। ये मेरा वादा आपसे भी और मुख्यमंत्री जी से भी है। मगर फिर भी नहीं करेंगे तो इसका मतलब उनके मन में खोट है, और किसी के मन में खोट हो फिर तो लोकदल ही उससे लड़ाई लड़ा करता है, और प्रजातंत्र में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में इससे मजबूत कोई लड़ाई नहीं। धरने पे बैठ के पीसफुली, कोई हुड़दंगबाजी नहीं, कोई जो नौजवानों में देखते हो कई बार जोश में होश खो बैठते हैं वो भी नहीं। डिसिप्लिनरी वे में अगर इतना अच्छा प्रोटेस्ट कोई दूसरा संगठन कर सकता है तो आप मुझे बता दें। आज इनसो ने वो कर करके दिखाया है और उसे हम जब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं माने। प्यारा इसलिए कैंपस बंद किए, मैं तो इनका पीछा छोड़ दूंगा सरकार का। जिस मोमेंट पे ये इलेक्शन अनाउंस कर देंगे मैं अपने जो है अनशन को तोड़कर समाप्त कर और सीधा अपने घर चला जाऊंगा। अगले एक साल तक किसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कदम नहीं रखूंगा। सरकार को जब सीधी उंगली से घीना निकले तो फिर उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। डेमोक्रेटिक तरीके से अगर आंदोलन फैलेगा तो क्या दिक्कत है? आंदोलन तो सब फैला करते हैं, हर यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाएंगे, सांकेतिक हो जाएंगे, कहीं अनशन पे बैठ जाएंगे, कहीं धरने हो जाएंगे। जो हमारा साथ देना चाहते हैं बेचारे यहाँ नहीं पहुंच सकते। स्टूडेंट की जेब में तो किसी की जेब में 500, किसी की जेब में 200-300, इससे ज्यादा नहीं मिला करता। बस का भाड़ा दे के नहीं आ सकते। जो बेचारे किसी के साथ बैठ के नहीं आ सकते वो अपने वहां शुरू कर दें। हमें उनका सहयोग मिलता रहे, सहयोग मिलेगा तो मूवमेंट फैलेगी। मूवमेंट फैलेगी तो पूरे प्रदेश के अंदर सरकार को झुकना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं।